Brought to you by ITEL. बॉलीवुड के दबंग स्टार यानी कि सलमान खान को साल 1998 से ही लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी देता आ रहा है। 14 अप्रैल को फायरिंग के बाद तो पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। हालांकि सलमान खान ने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन एक्टर ने एक बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी पर चुप्पी तोड़ी थी। चलिए जानते हैं सलमान खान ने उस वक्त क्या कहा था। दरअसल पिछले साल सलमान खान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, आप पूरे भारत के भाईजान हैं, ऐसे में जो धमकियां आपको मिलती हैं आप उनको कैसे लेते हैं? इस सवाल के जवाब में सलमान खान ने कहा था, मैं सबका भाई नहीं हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी की जान भी हूँ। बहुत सारों की जान है हम, भाईजान उनके लिए हैं जो भाई हैं और उनके लिए जिन्हें हम बहन बनाना चाहते हैं। सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आपको बता दें कि सलमान खान को कई बार लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वो गैंगस्टर गोल्डी बराड के भी निशाने पर है। वहीं एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उस दौरान गैंगस्टर ने कहा था, सलमान खान ने हमारे इलाके में हिरन की हत्या की, उन्हें इसके लिए बीकानेर में हमारे मंदिर जाकर माफ़ी मांगनी होगी, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं ठोस जवाब दूंगा। लॉरेंस ने इस दौरान ये भी कहा कि अभी मैं गुंडा नहीं हूँ, लेकिन सलमान खान को मारकर गुंडा बन जाऊँगा। आपको बता दें कि इसी इंटरव्यू के फौरन बाद ही सलमान खान को धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें लिखा था, तेरे बॉस सलमान खान से गोल्डी भाई यानी कि गोल्डी बराड को बात करनी है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो बोल देना कि देख ले, मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना, फेस टू फेस बात करनी हो वो भी बता देना, अब समय रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। बता दें कि इन धमकियों के बाद ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बेहद टाइट कर दी है। इसके अलावा सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड भी सलमान की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टेक।